पंटा लोन कलेक्शन का पैसा बराबर आ ले लेना। ठीक है जो ठीक है ना बेटा। हेलो हाँ भाई, हाँ उसका पैसा आ गया भाई। हाँ 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 वो कल्लू भी दे गया। अरे वो मोटा गुजराती परेशान कर रहेला भाई, उसका पैसा भी जल्दी आ जाएगा। आज साले को जाके बजाऊंगा। हाँ भाई टेंशन नहीं लेने का। हाँ भाई को उसके बारे में बताना है। तू टेंशन काहे को ले रहा, भाई को बोलना, भाई सब देख लेगा। बता दे भाई है ना टेंशन लेने के लिए। चल भाई को बताते हैं। हाँ हाँ चल बोल भाई। वो मणि है ना मणि। कौन सा मणि? वो मद्रास वाला मणि। आज जाओ तो कल आने को बोलता है, कल जाओ तो परसों आने को बोलता है, अगर घर पे जाओ तो गायब हो जाता है। उसको फोन लगाता हूँ, बात करो भाई। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मणियान सर। चप्पल से मारूंगा शाने। गुड मॉर्निंग नहीं बैड मॉर्निंग। 2,00,000 रुपए लेने के टाइम पे दोनों मर्द औरत बड़े स्टाइल में आकर पैसा लेकर गए। हाँ अब मेरे पंटा लोग पैसा मांगते हैं तो उन लोगों को आजकल करके टाल रहा है। ए! चटर डाउन करके ऐसा खर्चा पानी दूंगा ना शाले, 10 मिनट में इधर मांगता तू। भाई पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा, कैसा भी करके चुका दूंगा, वही बोलने के लिए इधर आया हूँ भाई। गोरे कागज पे साइन करके 2,00,000 रुपया कैसा लेना है वो तेरे को अच्छी तरह से मालूम है। जब मेरे पंटा लोग पैसा लेने आते हैं, बारिश आ गई है, बिजली चमक गई, तूफान आया है, करके साला ड्रामा करता है। तेरे को लगता कोई तेरे को पूछने वाला नहीं है? तेरा तबला अपुन नहीं अपुन का भाई बजाएगा, वो देख कैसे बजाता। चल ये चल। ए ए चल लो भाई से क्या देख रहे हो? ये मर्द औरत का नाटक, पैसे नहीं दिए इसलिए जिंदार भाई के पास बजाने के लिए ले जा रहा है। अपन का माल आंटी करके भागने की कोशिश कर रहे थे। हेलो ए जरा सी अकल है क्या? आज के दिन तो तुझे यहाँ होना चाहिए ना यार। खैर छोड़ जाने दे, आज के दिन तुझे गाली नहीं दूंगा। मैंने तेरी तरफ से माँ को एक गिफ्ट लाकर दिया है और तेरी मिसेज को सुपर केक दिया है और तेरे प्यारे लाडले बेटे को एक बढ़िया सी ट्रीट दी है। यार तुझसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हूँ बोल? अरे जिंदाल तुझे याद है कि नहीं आज तेरा जन्मदिन है यार। अच्छा सुन मैं तुझे एक जबरदस्त पार्टी देना चाहता हूँ। भैया जीवा भैया आपके बताने से पता चला कि जिंदाल भैया का बर्थडे है। हमारे एरिया में आ जाओ, यही धूम मचा के पार्टी करेंगे। चलो निकलो निकलो, आज तुम लोग का वक्त अच्छा है, आज जिंदाल भैया का जन्मदिन है। आज के बाद किस्त समय से भरना, जाओ 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 निकलो। हेलो सुजाता डार्लिंग। सुजाता स्पीकिंग। सुजाता सामान निकलो। अरे जियो 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 मेरे राजा, अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता। जियो 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 मेरे राजा, अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता। जियो 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 मेरे राजा, अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता। ले लो तो दुआएं हम सभी की, अरे झूम उठे आसमां सभी भी। भाई का तो नाम ही है चिंता, गरीबों का फरिश्ता चिंता चिंता चिंता। जियो 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 मेरे चिंता, अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता। जियो 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 मेरे चिंता चिंता चिंता, ऐसा दिन रोज नहीं आता आता आता। से मिला ये नजर, किस में है हिम्मत वो आए इधर। इनके ही दम से तो सारी खुदाई है, यही तो है सबके यार।
अन्नदाता ज्यादा नहीं जिंदाल और करना तू बात जिंदाल जिंदाल ऐसी वैसी ना तू करना कोई बात चरणों के इनकी तू ले ले धूली धूली जियो 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 मेरे जिंदाल अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता जियो 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 मेरे जिंदाल 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 ऐसा दिन रोज नहीं आता 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 कोई जो मुझसे लड़ाएगा यहाँ पंजा मैं तो उसको देख कर दूंगा यही गंजा दुश्मनी जो कर ले मुझसे दुश्मनी जो कर ले मुझसे नामो निशान उसका मिटे जय हो यार से जो मांग ले अगर तो जान भी दे दूंगा उसी पर प्यार से जो मांग ले अगर भाई जान भी दे देगा उसी पर प्यार करो प्यार मिले दुश्मनों को मत मिले ऐसा ही है भाई का इष्ट है गरीबों का तू भाई उपलू का देख खजाने ऐसे आप उनकी तो चले ले तू चले तो झूम उठे ये जमीन आसमान तेरी चाल पे सभी फिदा आग के शोलों से खेले ऐसा है ये मस्त मुला अपनी मस्त में रहे सदा ये चले तो हाथी जैसी चाल ये चले शेर की दहाड़ से भी ये नहीं डरे एक बार में सभी हो साफ ये करे देख ले जो दुश्मन सलामी वो करे जियो 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 मेरे जिंदा जियो 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 मेरे जिंदा अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता जियो 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 मेरे जिंदा 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 ऐसा दिन रोज नहीं आता 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 भाई का तो नाम ही है जिंदा गरीबों का फरिश्ता जिंदा 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 जियो 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 मेरे जिंदा अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता जियो 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 मेरे जिंदा 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 ऐसा दिन रोज नहीं आता 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 जियो 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 मेरे जिंदा अरे ऐसा दिन रोज नहीं आता जियो 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 मेरे जिंदा 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 ऐसा दिन रोज नहीं आता 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 सॉरी शूटिंग अभी खत्म हो गई बेबू ने थोड़ी बाहर लगी तमे लोगों ने खाना खाया क्या मैनेजर अलो कोई जमी ली तो स्टार्ट करें क्या मैडम आजकल की हीरोइनें दो चार फिल्में करके गायब हो जा रही हैं लेकिन आप तो बड़े एक्टरों के साथ काम कर रही हैं जैसे सनी शाहरुख आमिर ऋतिक यहाँ तक साउथ के कमल हसन जी के साथ आप एक्टिंग कर रही हैं इसकी क्या वजह हो सकती है मैडम इट्स गॉड्स गिफ्ट उसके बाद मेरा हार्ड वर्क मेरे जानी पहचानी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ कोर्स आप लोग मैडम वन पर्सनल क्वेश्चन मैडम गो अहेड मैडम आपके लवर ने आपके ऊपर एसिड फेंका इस बारे में आप कुछ बोलेंगी एक मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा लवर नहीं है डू यू अंडरस्टैंड अगर वो आपका लवर नहीं है तो फिर कौन है मैडम ठहरो बेबो मैं बात करती हूँ मेरी बेबो एक एक्ट्रेस है एक्ट्रेस के फैंस तो होते हैं काई लोको डिसेंट होए छे अने काई लोको ओवर क्रेजी होते हैं ऐसा ही एक फैन है जिसके बारे में आप सभी लोग पूछ रहे हैं मतलब आपकी बेटी का वो क्रेजी फैन है यस बट एक चाहने वाले में और एक प्रेमी में फर्क होता है तो उसने जब अपनी लिमिट पार की तो मैंने उसे अवॉइड कर दिया अरे रे रे वो आदमी इमोशनल होकर मेरी प्यारी बेबो पर एसिड फेंकने तक सोच लिया इसके बारे में बात करके मैंने उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी चाहिए उस वजह से
मेरी बेटी पर ब्लैक मार्क आया तो हमें खुलासा करना ही पड़ेगा ना। वैसे मेरी बेबो बहुत भोली है और जो एसिड मेरे ऊपर फेंका गया वो एक्सीडेंटली मेरी असिस्टेंट पर गिर गया और वो अभी भी सफर कर रही है। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मैडम प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन है भाई? Excuse me. मैं हूँ मैडम। आपका नाम क्या है? I am जीवा। Nice name. क्या आप किसी से प्यार करती हैं? Love. यार ये पवित्र बंधन है। Of course. मैं भी किसी को प्यार करती हूँ। किससे मैडम? सिनेमा। केड़ा बन के पेड़ा खिला रही है। अब इस मीटिंग को खत्म करें। Okay, As you all know, I'm going to Dubai for a shooting. Okay. See you all back. Okay. चलो बेटी। Okay. बोलो, बोलो ना सेठ। हाँ? पैसा, पैसा, पैसा। जब पैसा आएगा, तो ही मैं बेबो को शूटिंग पर भेजूंगी। हाँ? अरे रो 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 रो। टाइम वेस्ट। इसको कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये तो ऐसा आदमी है कि फ्लाइट में बैठने तक बात करता रहेगा। इसकी तो लाइन ही कट करती हूँ। फोन पर कौन है? हाँ, वही बेकार ऑफिसर। अरे आने वजह से तेरा कैरियर ही एक दिन स्पॉइल हो जाएगा, देखना। उसके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ पता है। ये लो माँ, सलमान खान का गाना सुनो। हेलो माय डियर ऑडिटर जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे देखकर डर गई क्या? तुम ना, मैं किसी से नहीं डरती समझे? और तुमने मुझसे वो सवाल क्यों किया? लगता है कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। बाय द वे तुम वहाँ पर कब आए? मैं जब तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाने में बिजी थी तभी आया। तुम्हें देखने की इच्छा हुई, मेरा एक फ्रेंड रिपोर्टर है उसके साथ अंदर आ गया। तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना, तुमसे मिले बिना एक हफ्ते के लिए पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी। I'll really miss you, John. मुश्किल तो है, मेरा भी तुम्हारे बिना खाना हजम नहीं होगा। तुम एक काम करना यार, मुझे नाश्ता देकर जाना। क्या नाश्ता? ठीक है, एटलीस्ट खिचड़ी तो दे दो। खिचड़ी मतलब? अरे यार खिचड़ी, किसरी। हेलो मम्मी बगल में ही बैठी है। हेलो, मुझे मम्मी से पप्पी नहीं चाहिए, तुमसे चाहिए यार। नहीं बाबा। किसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कब दिया? तो फिर ये बोनस था क्या? दुबई से आने तक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। किरण, मुझे सेकंड लाइन पर कॉल आ रही है, बाद में करता हूँ। I love you. Bye. Okay, darling. Bye. जीवा तो कहाँ पर है? जूतारा रोड पर। अच्छा तो जल्दी से आना। अच्छा ठीक है। जिंदाल, और कितने दिन ये सब चलेगा? कॉलेज में पढ़ते थे तब से वसूली शुरू कर दी, पूछो तो कहता खानदानी पेशा है। ये सब तो ठीक है, वसूली तो वसूली, चाकू छुरी पर उतर आए। इतने आदमी साथ लेके घूमना, ये खून, ये शराब, छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? तुझे गांव से आए एक साल हुआ है ना? नहीं, 2 साल हो गए, पर लगता है जैसे कल की ही बात है। मेरे विचारों को समझे बगैर हर वक्त गुस्सा करने वाले पिता और अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली माँ और मेरी बहन, इन लोग को छोड़कर कैसे आ गया यही सोचता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, लेकिन मेरी बहन से अक्सर फोन पर बातें होती हैं, बस उसी से आंख भर आती है। इतना फील करते हो आफ्टर ऑल एक प्यार, उसी प्यार के लिए घर छोड़कर आ गए, है ना? जिंदाल, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आफ्टर ऑल हो सकता है, पर मेरे लिए मेरा प्यार मेरी जिंदगी है। तुम एक लड़की को चाहते हो ना, ऐसा पिछले 2 साल से बोल रहे हो। वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे बता, मैं शादी करवा देता। नहीं जिंदाल, मेरा परिवार जब स्वीकार करेगा तभी मेरी शादी होगी। ए जीवा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे माँ बाप को समझाना मेरा काम है। बोल बोल बोल, बता बता मुझे कौन लड़की है। हेलो, बता ना जिंदाल प्लीज, बस ये एक बात मुझसे मत पूछ। क्यों? क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, प्लीज मुझे कंपेल मत कर। अरे क्यों फड़फड़ा रहा है रे? जिंदाल है तो क्या डर जाएंगे? अब मैं बोलता हूँ सुन रहे, तेरे 1 लाख रुपए और उसका 3 लाख रुपए ब्याज मैं नहीं देता, चल जा रहे। मैंने जिस कागज पर अंगूठा लगाया है, प्रमाइजरी नोट और चेक, मुझे कैसे वापस लेने हैं तुझे मालूम है रे?
गाय को जिंदाल बंदा बोल के नाटक दिखा रहा है रे। टन जिंदाल का नाटक खत्म। अब तेरा बाप जो आ गया है पता है तेरे को कौन है? कौन है? बिल्लाल गोविंदा, बिल्लाल बिल्लाल गोविंदा। अब वही अपना माई बाप है। अरे पैसे देने से मना किया है बिल्लाल गोविंदा ने। अगर तेरे में दम है तो जाके जिंदाल को बोल के आके मिल ले। समझ में आया तेरे को? जिंदाल भाई, जिंदाल भाई, जिंदाल भाई, निकल गई तेरी एकड़ी। शंख बजा दूंगा जिंदाल की चमचा गिरी करने वाले, तेरी तो मैं बजा दूंगा। मैं अरे पार्टी तो बहुत गर्म लग रही है रे। लगता है अब इस जिंदाल को ठंडा करना ही पड़ेगा। चला जा रे, आ जा। अब निकाल रे, तूने शर्ट निकाला है ना, अब बनियान भी निकाल दे। अब्दुल उतार दे। ए जिंदाल, जिंदाल ये तो ठीक नहीं कर रहा है। जिंदाल, नहीं नहीं माय गॉड। आपने जो अपन को एरिया बताया था ना, कॉर्पोरेशन कोर्ट और मारवाड़ी की दुकान के बीच में एक गटर जैसी गली के बीच में उस कमीने का घर है। अपन ने उसके घर में घुस के देखा तो उसकी औरत बिल्कुल ही चकेली थी। उसको देख के अपन की थोड़ी सी लाल टपकेली, लेकिन ये गलत होएगा ये सोचकर, क्योंकि भाई अगर अपन ऐसा करेगा तो तुम मेरे मुंह पे कालिक पोत देगा। क्योंकि आपके अंदर लेडी सेंटीमेंट बहुत है भाई।
पांडे छोड़ा दा पे गला पूछा तो डर कर बोल दिया। आए, उसकी लोडिया जवान हो गई है, इसलिए उसके बाद चिकन बिरयानी का सामान लाने के लिए कुल्ला मार्केट में गया है। मेन गेट पे अपुन ने अपने चार मटरों को खड़ा कर दिया है। आउटर गेट के बॉर्डर पर अपुन के 15 लोग हथियारों को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। पांडे जैसे ही आएगा उसे मुर्गी के माफिक दबोच कर पकड़ कर रखेंगे। और भाई तुम उस शाड़े को हलाल कर देना। ये तो बताओ भाई, एक बात पूछना भूल गया, उस शाड़े बिलाल का शंख बजाया कि नहीं बजाया? अभी तक आवाज नहीं सुनाई दी। फूंक देला भाई, फूंक देला। एक बात को याद रखने का भाई, जिंदाल की शान कभी कम नहीं होना मांगता भाई। ऐसा हो गया तो अपन जान दे देगा। दो किलो देना भाई। मिल गई मुर्गी, मिल गई। चलो रे गाड़ी। हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर हियर। ए टोपी भाई ने एक कशंक बजा दिया। पीपी। क्यों बे, सुनते ही बढ़ गया तेरा बीपी। भाई का आज सुबह से ही बहुत मूड ऑफ था, इसीलिए कुल्ला मार्केट के अंदर एक मुर्गी को हलाल कर दिया। मेरे को क्या करने का है, मेरे को तो अच्छे से मालूम है ना। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। कौन है, कौन किया था? शांत हो जा, शांत हो जा। सरे शांत हो जा। चिता को आग लगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को मार डाला। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। चिता को आग लगा, आग लगा मेरे भाई, आग लगा। कौन है वो, कौन है? बोल बोल। ये सारा हमजादे ने किया है। मैडम 11-12 को आउटडोर जा रही है और 13 को वापस आएंगे, लेकिन मैं कंफर्म बोल नहीं सकता। हाय मैनेजर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ सर, मैडम अंदर हैं। मैडम अंदर है, जाइए मिल लीजिए। ओके मैनेजर। मैडम के आने के बाद ही मैं बता सकता हूँ। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ओ तमे छो, आओ आओ। ऑडिटर नहीं आया? जी वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। किरण मैडम ने फोन किया था, कहा कुछ काम है। ओ ऐसा क्या, आओ बैठो।
अच्छा चाय कॉफी का पीसो जी। वही तो, घर से आते वक्त तुम तो पी कर ही आए होंगे। अच्छा पहले अकाउंट चेक करने के लिए सूटकेस बैग लेकर आते थे तुम लोग, हवे काई नहीं लाता। ओ, भूली गया छो। हाँ, भूल गया। काई वांधो ने, काई वांधो ने। वैसे बेबो के स्टमक में पेन है, तमे अभी ना मिलकर काले मारसो। ओके मैडम, तो मैं कल फोन करके फिर आता हूँ। ओके। ओह आ गए आप। मल्लिका, या मेरे रूम में टेबल पर एक फाइल रखी है, जाकर लेकर आ जाओ। ओके मैम। बैठिए ना। ज़ोलोकेशन से एग्रीमेंट की फाइल आई है और उसमें कुछ नए पॉइंट शामिल किए गए हैं, वो बात मैं समझी नहीं, है ना मम्मी? हाँ 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 हाँ। इसीलिए मैंने फोन करके ऑडिटर को आने के लिए कहा था, उन्होंने आपको भेजा है, तो हम पेपर्स देखें। लाओ मुझे तो। जीवा ये देखो, एग्रीमेंट की कॉपी, इसमें ये तीसरा पॉइंट पढ़ो। The agreement copy register. अरे मम्मी, लेडीज क्लब की मीटिंग में जाना था ना, टाइम तो हो गया है, जाना नहीं आपको? नहीं, फंक्शन पोस्टपोन हो गया, इसीलिए मैं नहीं गई। तो मैं अकाउंट जो क्यों, प्लान में पानी फिर गया क्या? प्लान वन पे पानी फिर गया, लेकिन दूसरा बाकी है अभी, वेट एंड सी। मम्मी इन्हें चाय के लिए पूछा? पूछो बेबो, लेकिन वो घर से पी कर आए थे, उन्होंने मना कर दिया और आप फौरन मान भी गई। मेहमान नवाजी तो हमारा फर्ज है। आप अच्छे मल्लिका, मेहमान माटे पानी ले आओ। आप भी मम्मी। मल्लिका गेट एप्पल जूस। अभी देखो कैसे सुनाती हूँ तुमको। देखते हैं तुम्हारा प्लान नंबर टू आखिर क्या रंग लाता है। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। मारा माटे ठीक तरह से मिलाया ना? हाँ शक्कर। हाँ बोलिए मल्लिका। हाँ, अब ये किचन में रख दे, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं मैडम, आपके लिए स्पेशली बनाया है। इस पॉइंट के मुझे अभी नहीं पीना। पीजिए ना प्लीज। मैं बाद में पी लूंगी। प्लीज मल्लिका, इतनी केयरलेस क्यों हो तुम? देखो ड्रेस खराब कर दी। रेने तुमसे गलती हो गई, उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना। बेटी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, अगर हुआ है तो उसे जाने के लिए बोलो। बोलो। हेलो यस। हाँ समझ गई। ओके सर, मैं बता दूंगी। कौन से फोन पर? प्रोड्यूसर रमेश शेट्टी साहब का फोन था, उन्होंने आपको पूछा मैंने कहा घर पर ही है, वो बोले तुरंत आ रहा हूँ। अरे हाँ। रमेश शेट्टी, अरे साउथ के बड़े प्रोड्यूसर है, हमारे घर आएंगे। अरे अरे अरे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ओके मम्मी। सिर्फ दो मिनट लगेंगे। ओके। बाप रे, ये एक हफ्ता कितनी मुश्किल से गुजरा मालूम है तुम्हें? सिर्फ तुम्हें ही मुश्किल हुई है क्या? मुझे नहीं हुई। तुम्हारे लिए एक प्यारा सा प्रेजेंट लेकर आई हूँ मैं, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे प्लीज? क्या किरण, तुम जानती हो ना मैं किसी से प्रेजेंट नहीं लेता। क्या अब मैं कोई और हो गई? प्लीज किरण मेरी बात समझो। प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं करते ये बात मैं समझ गई, लेकिन प्लीज 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 ये एक्सेप्ट कर लो। ओके, तुम्हारे लिए लेता हूँ, पर एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त है वो हर शर्त मुझे मंजूर है। ओके, पहले हम दोनों की एक प्यारी सी फोटो खींचेंगे, बोलो मंजूर है? फोटो, लेकिन वो किसी को भी दिखाना मत। ओके। थोड़ा नजदीक आओ ना। ये कैसा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या तुम भी? तीन साड़ियां बदली, अब जैसे भी हो यही अच्छी है। बस बस टाइम हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलो। मैडम चलो। मैडम, अरे प्रोड्यूसर आ जाएंगे। चलो मैंने कहा। अरे मल्लिका मेरी बात को समझा करो, मेरी बेटी गोरी है, वो ऑडिटर आया है वो भी तो गोरा है, अगर वो दोनों कहीं मिल गए तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा, सब डूब जाएगा, सब प्रोड्यूसरों के पैसे डूब जाएंगे, ये बंगला ये गाड़ी ये फिगर सब गुल हो जाएगा मल्लिका। आपके कान की बूंदे कहाँ गए? कान की बूंदे? अरे अच्छी तरह से ढूंढ, बूंदे तो यहाँ पर है। क्या पूछना है पूछो। किरण,
मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। अगर मैं उसे हमारे प्यार के बारे में बताऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? किसी से भी हमारे प्यार के बारे में जाहिर नहीं करेंगे, ऐसा तुमने प्रॉमिस किया था ना? प्रॉमिस किया था पर तोड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी ओके, इस टॉपिक को यही बंद करते हैं। मुझे हमारे प्यार की कसम आगे से किसी से जिक्र नहीं करूंगा। किरण किरण बात सुनो। आई थिंक मेरे लिए तुम्हें ज्यादा ही इंतजार करना पड़ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, हमारे प्यार के लिए तुमने अपनी पूरी फैमिली को ठुकरा दिया है और इस वक्त मुझे अपने करियर से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। क्या किरण तुम भी? अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मुझे बस तुम चाहिए जीवा, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ Please. तुम। सर सीनियर साहब आ गए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग फाइन सर। और इंस्पेक्टर क्या हो रहा है? कुर्ला मार्केट में जो खून हुआ था मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ हूँ। कुर्ला मार्केट में मर्डर? क्या कह रही है? कब की बात है ये? पिछले हफ्ते सर। पिछले हफ्ते? अरे वो पांडे जो मरा था ना, वो एक्सीडेंट केस था। अरे उस एक्सीडेंट केस की फाइल मैंने कब की बंद कर दी? नो सर, इट वाज अ वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जिंदाल का काम है ये। कैसे कह सकते हो तुम? विटनेस है क्या? है सर, ये है पांडे जो मार्केट में मरा। इसका नाम है जिंदाल, एक्यूज नंबर वन। ये है उसका राइट हैंड सेवल। ये अब्दुल जो ब्याज वसूल करता है। इस केस को साबित करने के लिए कौन आएगा यहाँ? आएगा सर। कौन है? कौन है वो? सर जिंदाल ने पांड्या का कत्ल किया, इसका एक आई विटनेस है, इसका नाम है बिलाल गोविंदा। ये भी फाइनेंस करता है, इनके बीच में लेन देन की तकरार है। सो सर अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो इन वन आवर में, जस्ट वन आवर में जिंदाल और उसके साथियों को उठाकर ले आऊंगा सर। इस केस में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? बचपन से ही जिंदगी में कुछ हासिल करने की ख्वाहिश है सर। हर मामले में दखल अंदाजी करते हो। सिर्फ हम ही मिलते हैं क्या तुम्हें? शादी हो गई क्या तुम्हारी? हुई है सर। बच्चे है क्या? यस सर। अच्छा कितने बच्चे है तुम्हारे? एक है सर। लड़का है या लड़की? लड़की है सर। तू गया काम से? अच्छा बाली उम्र है, कम सिन है या फिर जवान है? अभी कम सिन है सर। किस क्लास में है वो? सर प्लस टू में पढ़ रही है। अपनी लड़की को डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखते हो क्या तुम? ख्वाहिश तो है सर बट। ठीक है, अगले साल तुम्हारी लड़की को मेडिकल की सीट मिल जाएगी। थैंक यू सर। कहाँ से हो तुम? सर सोलापुर से। सोलापुर या कहीं आसपास से? प्रॉपर सोलापुर से सर। तो फिर अगले साल सोलापुर के तुम ही एसपी, डायरेक्ट प्रमोशन। सर थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू सर। ये मर्डर फाइल मैं पढ़कर देखता हूँ। नो सर, दिस इज एन एक्सीडेंट केस। इस केस को बंद हुए अरसा हो गया है। हमारा ऐसा ही अभी से एसपी बनने के लिए तैयार हो गया है। सॉरी सर। शेर जंगल से निकल गया रे, अब तो उसका वक्त आ गया रे। कांत मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप बार बार घूम रहे हैं? कांत अब कोई साधारण कांत नहीं है, एसपी एसपी रजनीकांत है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। अंडरस्टैंड? जब भी तुम मेरा नाम सुनोगे, तुम ही नहीं तुम्हारी बीवी के पेट में पल रहा बच्चा भी सहम जाएगा, समझ गए? और सुनो अक्खा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का आदमी डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा। तो मैं चलूं? क्यों? Hey, अरे अंकल आप। हाय महेश, कैसे हो? पापा अंदर हैं? हाँ डैडी अंदर है। थैंक्स डैडी। हेलो, किससे मिलने जा रहे हो? जिंदाल से मिलने। जिंदाल साहब इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। मैं भी इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। रुको, नहीं जा सकते। किस पे हाथ डाला तूने? किस पे हाथ डाला तूने? ये मालूम है तुझे कौन है? अरे जिंदाल भाई, सर पे टेंशन वा ना ला, ये तो बहुत छोड़ बात बा। अरे थोड़ा ठंडा हो जा। छोटी सी बात नहीं नहीं,
मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे से ज्यादा मेरा दोस्त है, समझे? डीजीपी, कमिश्नर, एमपी, एमएलए, ये पत्नियां सब मेरी दी हुई भीख में हैं, मगर जो मेरी सांसें हैं वो मेरे दोस्त का एहसान है। तुम इलेक्शन में खड़े हुए हो ना, लेकिन कैसे खड़े हुए? मैंने अपने पैसे पानी की तरह जो बहाए हैं, इसी वजह से जीते हो। जब गुंडे मुझे मार रहे थे तब तुम में से कोई सामने नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई, उस पर तुम लोगों ने हाथ डाला। ऐसा नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरी बात सुनिए। एमपी साहब को अर्जेंट में आपसे कोई बात नहीं, नहीं। तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो बताओ मुझे? पैसा, पैसा चाहिए ना? पैसा, पैसा ही चाहते हो ना? ये बात बिल्कुल सही है ना? बोलो 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 बोलो। तुम सारे के सारे लोग उम्मीद लेकर आते हो, लेकिन मेरा दोस्त जीवा ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त पर हाथ उठाया? नहीं जिंदाल, उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, बात तो सुन। नहीं जीवा, नहीं नहीं, जानबूझकर ऐसा किया है। सहवाल जाने को बोलो इन लोगों को। ए, चलो रे, चलो निकलो, निकलो, चलो चलो चलो। जिंदाल, मुझे भूख लग रही है जिंदाल। ऐसे क्या देख रही हो तुम लोग? भूख लगी है उसने बोला ना। ऐसे क्या देख रही हो? डालो, कहा ना डालो। मुझसे कुछ भी कभी नहीं मांगा, उसके खाने में देर कैसी? जिंदाल, माँ इडली डालो, माँ चटनी डालो, सांभर डालो, सब कुछ डालो। तुम्हारे ऊपर हाथ डालने का मतलब मेरे ऊपर हाथ डाला है उसने। जिंदाल, इतनी सी बात के लिए टेंशन क्यों लेते हो? उसने मुझे कुछ नहीं किया, सिर्फ पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। मेरे जवाब देने से पहले तुम आ गए और तुमसे पूछने वाला वो कौन होता है? महेश, कौन सी क्लास पढ़ते हो? थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ अंकल। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? अंकल, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। वेरी गुड, तुम्हारे पापा कॉलेज में फेल पे फेल होते रहे, आखिरकार मुझे उनका क्लासमेट बनना पड़ा, लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, हाथ मिलाओ। ऐसी बात नहीं है अंकल, अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे पापा उन्हें मारेंगे, इस तरह से वो लोग मुझे फर्स्ट रैंक दे देते हैं। ओह, तो कहानी ऐसे जा रही है। नहीं दादी, वो तो अंकल। क्यों बेटा, हमें शादी की दावत कब खिला रहे हो? इन सब के लिए अच्छा वक्त भी तो आना चाहिए ना माँ। लड़की पसंद करके मंगलसूत्र पहना देना, वक्त भी आ जाएगा। लड़की तो रेडी है ना? लेकिन लड़की कौन है ये भी तो नहीं बता रहा है। लड़की कोई हो, शादी उसी से होगी। ऐसी कोई बात नहीं माँ, लड़की थोड़ी शर्मिली है और उसकी माँ ऑर्थोडॉक्स है। तो एनासिन या सेरेडन दे दे, उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं माँ जी, ऑर्थोडॉक्स कोई बीमारी नहीं है, मतलब आदर्शवादी, उन लोगों का परिवार आदर्शवादी होगा। हाँ सही कहा। तो फिर ऐसा कर, कभी बाहर जाते वक्त इसी को दिखा देना। हाँ ऐसी बातें तो दिखा दूंगा। श्योर श्योर। जिंदाल, आई एम वेरी सॉरी, माँ और भाभी के सामने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मेरे प्यार के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा, ऐसा मैंने उससे प्रॉमिस किया है यार, प्लीज मुझे कंपेल मत कर। ओके जीवा। नमस्ते भाई। सर, पीने के लिए कुछ मंगाऊं क्या, अगर आप कहें तो? पैसे कब दोगे? एक महीने का टाइम चाहिए भाई। लाला, बिजनेस थोड़ा डल चल रहा है। बाकी का पैसा बाद में पहुंचा दूंगा भाई। झूठ मत बोल, मैंने कहा झूठ मत बोला कर। रेड्डी, मेरे पास से पैसे लेकर ही ये शॉपिंग मॉल बनवाया है तूने, तेरा बिजनेस चल रहा है और मुझसे ही झूठ बोलता है? ए, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, तेरे से ज्यादा मुझको मालूम है। रेड्डी, तुम्हारे सिर्फ दो आंखें हैं, लेकिन जिंदाल के पूरे बदन पर आंखें ही आंखें हैं। ए, क्या घूर रहा है? कल सारे पैसे वापस चाहिए नागराज, जसविंदर, नायडू, नहीं तो बिल्डिंग को जलाकर राख कर दूंगा। कल पैसे दे देना, समझ गए? जाओ चंदा भाई। जीवा, फोन करो।
जीवा। हाय जिंदाल, मैं किसी काम से पुणे आया हूँ यार, मैं कल शाम को ही मिल पाऊंगा। ओके बाय टेक। हेलो हेलो हेलो, यही पर हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो? कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ यार, बस दो मिनट में मिलता हूँ। क्या जीवा, कितनी देर लगा रही? वो आ गई क्या? तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। अंदर जाओ, खूब मार पड़ेगी तुम्हें। वो कुछ भी दे, मैं खुशी से ले लूंगा। जल्दी जल्दी चलो। हाँ। अरे बाबा आओ ना, आओ। सॉरी जान, प्लीज 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 नाराज मत होना। प्लीज किरण, किरण सॉरी किरण, प्लीज किरण, किरण प्लीज प्लीज प्लीज। Excuse me, क्या चाहिए आपको? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए आपको? डीवीडी है क्या? मिस्टर, ये सेल शॉप है, बाजू की दुकान में पूछिए। इट्स ओके, कूल। क्या तुम बगैर बताए अंदर आ गई? सॉरी, अंदर आकर डिस्टर्ब कर दिया। अरे इस किरण की वजह से मैं फंस गया। अरे क्या बताऊं? क्या? सोने की दुकान हुआ करता था, लेकिन तूने मुझे मार मार कर पुरला मार्केट में नंगा करके रद्दी की दुकान बना दिया, वो भी सब लोगों के सामने। ये देखना कैसे घुर रही है मुझे। अब जवाब देना मेरे दोस्त, मार्केट में तुझे शंख बजाना याद है ना? ये पांडे का भाई है, काशी, डोंगरी वाला काशी। काशी का नाम सुनते ही पूरा एरिया कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है। मेरे भाई, तुम्हारे भाई को टपकाने वाला ये वही जिंदाल है, ये हमारे सामने है और तुम इसके सामने हो, और मेरे सामने ये हमारी छमिया है, आ जा। अरे बिल्लाल, तूने तो जिंदाल कहा था तो मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा आदमी होगा। लेकिन ये तो मामूली आदमी है जिंदाल। ए जिंदाल, ओ जिंदाल, ओ जिंदाल, तूने अभी तक बहुत सारे लेडीज सेंटीमेंट देखे ना, इसीलिए तेरे को लेडीज के बहाने इधर बुलाया। अच्छा, लेडीज तो साड़ी पहनकर गहने पहनती है तो अच्छा लगता है, पर तू चूड़ीदार पैजामा पहनकर क्यों गहने पहने हुए है? बीच से मांग निकालकर लड़कियों की तरह बाल बनाए हुए है, हैं? बिलाल, इसमें एक चीज की कमी लग रही है ना, फूलों का गजरा लगा दे तो बिल्कुल सही रहेगा भाई। हाँ। ये देखो है ना, फूल का गजरा। अब सही लग रहा है, अब आइटम लग रहा है। एकासन, फूल लगाते ही मेरे को कुछ कुछ होने लगा। चूड़ीदार पहने लाए ना, किधर है तेरा दुपट्टा? दुपट्टा दुब 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 दुपट्टा। क्यों बे, गुस्सा आ रहा ना जिंदालू? आना चाहिए, गुस्सा तो आना ही चाहिए, इसीलिए तो तेरे को बुलाया ना जिंदालू। सुना है कि तू शेर है, और शेर की तरह दहाड़ता भी है तू ना। शेर अगर शहर में घुस जाता है तो गवर्नमेंट वाले उसे पकड़कर चिड़ियाघर में डाल देते हैं। देखो ये जेमिनी सर्कस से भागा हुआ भालू लगता है। हाँ।
अगर इस पर मैं हाथ डालू तो मेरे लिए शर्म की बात है। इसके लिए तो मेरे छोकरे ही काफी है, इसको चबा कर थूक देंगे। मैंने तो सिर्फ अपने भाई की लाश ही देखी है, लेकिन अब मैं तेरी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखूंगा। हाँ, जब कोई भी मरता है तो तू बजाता है ना शंख, लेकिन आज तेरी मौत पर मैं बजाऊंगा तेरे लिए वैसा ही शंख। ए शंख बजाओ इसके लिए। डोंगरी के दादा हो सकते हो, मगर मैं जिंदाल हूँ, मेरे से टक्कर ना लेना वरना चिथड़े उड़ जाएंगे। अबे चिलगोजे, तू निकल जा यहाँ से। ये ले, तू खुद ही बजा लेना ये शंख। हेलो, यस ऑडिटर जीवा स्पीकिंग। सर मैं आप ही की फाइल देख रहा हूँ, होने से भेज दूंगा। थैंक यू। हाय कौशल्या, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन। पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए, मैंने ले लिए। ए बाबा को ये बात मत बताना। नहीं पता चलेगा, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ऐसा बोलकर आई हूँ। कोई बात नहीं, भाई के लिए झूठ बोल रही है ना। अच्छा पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ भैया। वेरी गुड, सही वक्त पे खाना, माँ और बाबा का ख्याल रखना, खुश रहना। अगर तुम लोग वहाँ खुश नहीं रहोगे तो मैं यहाँ कैसे खुश रह सकता हूँ? कौशल्या, बस मेरा शरीर यहाँ है, मेरा मन तो वहीं पर लगा हुआ है। माँ तो हमेशा आपको ही याद करती रहती है, मैं उन्हें हमेशा दिलासा देती रहती हूँ। भैया बताओ ना, भाभी कैसी है? आप उनसे रोज मिलते हो? हाँ, जब टाइम मिलता है तो मिलता हूँ। जब मिलेंगे तो मैंने याद किया कहना। ओके कौशल्या, मुझे सेकंड लाइन पर कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद फोन करूँ तुम्हें? ठीक है भैया। ओके कौशल्या,
हेलो, ये क्या है? इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे तुम? अपनी बहन से बात कर रहा था यार, उसने तुम्हें याद किया है। अच्छा, हे मुझे उसका नंबर दो ना, मुझे भी उससे बात करने का बहुत मन है, प्लीज ना। नहीं किरण, वो भी चोरी छुपे बात कर रही थी, घर में मालूम हो गया तो प्रॉब्लम होगी। शादी के बाद तो हम लोग साथ में ही रहने वाले, ऐसी भी क्या जल्दी है। अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे कॉल किया? क्योंकि आज हम दोनों मिलने वाले हैं। हे, आज शूटिंग नहीं है क्या? वो तो है ना। शूटिंग है तो इतने टाइट शेड्यूल में कैसे मिलेंगे हम लोग? हेलो, हमारे प्यार का सिलसिला शुरू होकर पूरे 3 साल हो गए हैं। आज ही के दिन हम लोगों ने एक दूसरे से इजहार किया था, सो आज हम लोगों को जरूर मिलना है अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाने के लिए। मनाएंगे, कोई बात नहीं। तुम नहीं समझोगे जीवा, आज मेरी शूटिंग है ना, तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। अरे सुनो ना यार, बोल दिया ना तुम शूटिंग पर जाओ, मेरा प्लान तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बेबो चल, शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ मम्मी। तो तुम सब तैयारी कर लेना। ओके बाय। मैं तुमसे बहुत परेशान हो गई हूँ, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। समझ जाएगी। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हैं आप? कर 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 कर। कौन है वहाँ पर? सर वो वहाँ पर हीरोइन के माँ बैठकर रो रही है सर। अरे अरे अरे, मैंने जो कहा उसने सुना तो नहीं? नहीं सर, हीरोइन के माँ काफी दूर बैठकर रो रही है सर। तुम यही रुको। ठीक है सर। मैडम आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। जब देखो तब इसका नया नाटक, मैं तो इससे तंग आ गया, पता नहीं क्या समझती है। तू यहीं पर रुक, आज मैं बताता हूँ उसको। वो बहुत सीरियस है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। अरे अरे कब हुआ मैडम? क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ आपको? तेरी मौसी सीरियस है। कौन सी मौसी? सुकन्या मौसी सीरियस है करके फोन आया, हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या सुकन्या मौसी? ओ मम्मी, हमें अभी निकलना होगा। मैनेजर टिकट बुक करो, मैं प्रोड्यूसर से बात करके आती हूँ। डायरेक्टर साहब जरा सुनिए। हाँ मैडम बोलिए। सर मेरी मौसी बहुत ज्यादा सीरियस है, सो मेरा जाना जरूरी है, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझती हूँ। ये आपकी फर्स्ट फिल्म है, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, बट मेरी मम्मी तो नहीं मानेगी ना। कैसे भी आप मेरी मम्मी को समझा कर उन्हें जाने के लिए कहिए, फिर हम अपनी शूटिंग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ ओके। ओके मैडम। यस मैम। हाँ ओके ओके। निकले। मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, आज फाइनल क्लाइमेक्स का सीन है, प्रोड्यूसर ने बहुत पैसा खर्चा किया है ऐसा सेट बनाने में। मैनेजर सर आप भी समझाइए ना। समझाता हूँ मैडम। मैडम ऐसे टाइम में आप चली जाएंगी तो प्रोड्यूसर टेंशन में आ जाएगा, प्लीज भगवान के लिए आप अकेली चली जाइए ना, मैडम को शूटिंग करने दीजिए। जैसे ही शूटिंग खत्म होगी मैडम को पहले फ्लाइट से भेज दूंगा। ओके क्या कहा आपने? मम्मी को यहाँ अकेला छोड़कर मैं चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। मल्लिका ये सारी चीजें कार में रख दो। ओके मैडम। ओके डायरेक्टर साहब, आपकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मगर तमें करेक्ट 6 बजे बेबो ने मोकल सोना है। 5:59 पर ही मैडम को एयरपोर्ट के लिए भेज दूंगा मैं। मल्लिका जी, तू बेबो नो बराबर ध्यान रख, मैं पहुँच कर फोन कर दूंगी। ओके मैडम, चलो मैनेजर। चलिए मैडम, स्टार्ट कैमरा एक्शन। तुम्हारी वजह से हमारा खानदान बदनाम हो रहा है। बोल रही हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैडम, आपको ये डायलॉग हैप्पी मूड में बोलना था। मुझे अपनी मौसी की याद आ गई। ए डायरेक्टर इधर आ। आया सर। डायरेक्टर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो ना उसे, अगली डेट देने में प्रॉब्लम करेगी वो, आप समझते क्यों नहीं है? प्रोड्यूसर को धोबी का गधा बना दिया है। अरे किस मनहूस घड़ी में मैंने साइन कर लिया था। अरे स्पॉट पानी तो पिला मुझे। मैडम आप जा सकती हैं। अरे मैनेजर सुबह सुबह ही चढ़ा के टोनो गया है क्या? चलो मैडम मैं अपनी कार से छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए सर, मैं एक प्रोड्यूसर की मुश्किल को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मैं अपनी कार में चली जाऊंगी सर। चलती हूँ सर। ये पकड़िए, इसमें पेड़े ही है ना। अरे डायरेक्टर वैसे भी तुझे एक ही शब्द आता है, बोल दे जल्दी से। पैक अप। दिल तो पागल है, दिल दीवाना।
क्या बोला? चलो जिंदल भाई की वजह से मेरी बेटी को डॉक्टर की सीट लाइन में आओ, इसलिए मैं उनका स्वागत करने आया हूँ। तुम्हारी लड़की को मेडिकल की सीट मिल चुकी है, ये बात मैंने बता दी है। अभी माला पहनाना मुश्किल है, भाई बिजी है और बाहर निकल रहे हैं। एक काम करो, माला मुझे दे दो, मैं ले जाके पहना दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते जाओ। चलो चलो, पैसे वगैरह ठीक ठाक भर दोगे ना? हाँ तब ठीक है, चलो बेटी आओ। चाचा आओ। नमस्ते बेटा, कैसा है? जिंदाल की वजह से मेरा बेटा बच गया। सही वक्त पर पैसा जमा करने से उसकी जान बच गई, इसीलिए हम उनका पैसा उन्हें लौटाने आए हैं। भाई ने आपसे पैसे लेने से मना किया। भाई आप चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। शुक्रिया। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाय अब्दुल। अरे जीवा भाई, जिंदाल भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ। जीवा, पुणे का काम खत्म हो गया क्या? पुणे? हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा सब लोग दूल्हे के गेटअप में, कोई शुभ कार्य है क्या? पोपट के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ओ, ये बात है। मिला। आया भाई, ये लीजिए। जीवा इसे पहनो। मैं आऊंगा, पर ये सब क्यों यार? क्यों भैया, मेरे शुभ काम में जाने से मना क्यों कर रहे हो? ठीक है ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। जीवा तुम मेरे साथ चलो, तुम लोग दूसरी गाड़ी लेकर आओ। ठीक है भाई। नमस्ते जिंदाल भाई। अरे वाह, आप लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ भैया, हम लोग क्यों नहीं आएंगे। चले जीवा चलो। आ जाओ। पिताजी मैं निकल रही हूँ। हेलो, आप लोग कौन है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? मैं पूछ रही हूँ, फिर भी आप लोग अंदर चले जा रहे हैं। हेलो, हाय हाय जीवा। ये लोग कौन है? आश्चर्य हो रहा है। हाँ मुझे भी, ये तुम्हारा घर है क्या? अच्छा, मतलब किसी के भी घर में ऐसे ही घुस जाते हो? ये सब लोग कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? वैसे ही समझ लो, पर हम लोग यहाँ आ रहे हैं इसकी खबर नहीं है क्या तुम्हें? मुझे लोगों को शौक देने में बहुत मजा आता है। घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? है ना, आप अंदर आइए। जीवा अंदर आओ ना। आइए आप लोग बैठिए ना। पापा जरा बाहर आइए तो, अपने घर में मेहमान आए हुए हैं। आप लोग बैठिए, पिताजी आते ही होंगे। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कौन है? कौन है आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई 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 बात करता हूँ ना। पंडित जी, भाई यहाँ के लोगों के अन्नदाता हैं। मैं आपको भाई का नाम बताता हूँ। भाई आपका नाम बताता हूँ इन्हें। पंडित जी अपने भाई का नाम है जिंदाल, और ये जो है लड्डू जैसा, इसका नाम है जीवा। बड़ी बड़ी पढ़ाई की है पंडित जी, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई इसकी। और ये जो अपना पोपट है ना पंडित जी, बेचारा अभी तक कुंवारा है। खामोश जीवा, कैरेक्टर। अरे मेरे बारे में क्यों, दूल्हे के बारे में बताओ ना। तुम्हारी फैमिली बहुत आदर्शवादी है, लव पसंद नहीं करते, मुझे मालूम है। लेकिन मेरा भाई आपकी बेटी से लव करता है और आखिरी सांस तक उसका साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। साथ नहीं दिया तो जिंदाल की मार कौन खाएगा? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी लड़की को मेरा भाई जी जान से प्यार करता है, इस रिवाज से रिश्ता जोड़ने आया हूँ, समझे क्या? सही दिन फिक्स कर लो, शगुन की थाली दे दो। ठहरो, मेरी बात तो सुनो। आप लोग सारे के सारे देखने में घटोत्कच लग रहे हो और मुझे डरा रहे हो। ये थाल लेकर जबरदस्ती घुसा है और अनाप शनाप बके जा रहे हो। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कौन किसके साथ शादी कर रहा है? अगर मुझे पता चल जाए तभी तो मैं शगुन की थाल लूंगा। तुम्हारी बेटी गीता से मेरे भाई जीवा की शादी तय करना है। क्या, ये क्या है जिंदाल? क्या हुआ जीवा, तुम्हारे लिए ही तो ये सब क्या है? जीवा मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति अब्रॉड में रहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आई नो गीता, बट मेरा फ्रेंड ये बात नहीं जानता। तुमको पता है कि मेरी बेटी शादीशुदा है, फिर भी ये रिश्ता लेकर आए? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सॉरी गीता, एक छोटी सी गलती हो गई। ये सिर्फ मेरे दोस्तों की नहीं बल्कि मेरी ही गलती है, सब लोग मुझे माफ कर देना। जिंदाल आई एम सॉरी यार। जिंदाल आई एम सॉरी, तुम्हें बेकार में जिल्लत सहनी पड़ी, शर्मिंदा हूं, ये सब मेरी वजह से हुआ। सब लोग तुम्हें शेर का खिताब देते हैं,
और मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं कौन हूँ तुम्हारा? खून का रिश्ता है इसलिए ये सब किया मैंने, लेकिन तुमको बताया नहीं मैंने, यही गलती हो गई। अब ये गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मेरा प्यार भी खोना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा। वो लड़की कौन है तुम्हें बताऊंगा। तो कब बताओगे? अभी बताऊंगा। सहवल गाड़ी निकालो। नहीं जिंदाल, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? यही दिखाता हूँ। कोई फोटो है? हाँ है, दिखाओ। जानता है तू ये कौन है? क्यों शौक लगाना? मुझे मालूम था तुम्हें शौक लगेगा। तू अच्छी तरह जानता है ना ये कौन है? सारी दुनिया को मालूम है, ये एक अभिनेत्री है। मैं जानता हूँ ये लड़की ठीक नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुझे समझने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है, बस इतना समझ ले। ये अभिनेत्री है तो अच्छी लड़की नहीं होगी, यही शक है ना? लेकिन मेरी किरण ऐसी नहीं है। मैंने एक अभिनेत्री से प्यार किया ये सुनकर मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर जिंदाल, अब तुम मेरे साथ ऐसा मत करना। जीवा, सभी अभिनेत्रियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर क्यों? ए, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? चलो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। जीवा, अब ध्यान से सुन, उस लड़की का गलत संबंध है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए, यही बात उसे मेरे सामने आके कहने के लिए कहो। मेरी बात बिल्कुल सही है, जीवा तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कौन है तुम बताओ? ए, मुझ पे तुझे भरोसा नहीं है ना? मैं दिखाता हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ। देखो देखो, इसका नाजायज संबंध है मेरे साथ। इसी लड़की से तू प्यार करता है ना? जिंदाल, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो सर फटा जा रहा है। ये फोटो, ये सब ग्राफिक ट्रिक है मालूम है, लेकिन इसमें तुम कैसे? अच्छा समझ में आया, मेरे पिताजी तुमसे मिले होंगे और कहा होगा मेरा लड़का किसी एक्ट्रेस के चक्कर में है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, तुम कैसे भी उसे समझा बुझा कर वापस घर ले आओ। और यह सुनकर तुमने अपनी बदनामी की परवाह किए बिना मेरी भलाई के लिए ये सब किया है, सच्चाई यही है ना? बोलो। मैं मानता हूँ वो एक एक्ट्रेस है, उसे ये एक्टिंग वैक्टिंग पसंद नहीं है, अपनी माँ के दबाव में आके वो एक्टिंग कर रही है, ये बात तुम्हें नहीं मालूम? जब मैं घर छोड़कर आ रहा था तो उसने क्या कहा था मालूम है? जीवा, मुझे नाम पैसा शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ भी नहीं चाहिए। चलो जीवा, हम अभी भागकर शादी कर लेते हैं, मेरी किरण मुझसे इतना प्यार करती है, तुम ये बात नहीं समझ सकते जिंदाल, वो कैसी है मैं जानता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये सब छोड़कर, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, मेरे साथ उसका चक्कर है, ये सब बोलकर मेरे प्यार का मजाक मत बनाओ, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? वो लड़की तुमसे प्यार करती है, उसको जहाँ बुलाओगे वो आ जाएगी क्या? मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है ना? हाँ, वन मिनट। हेलो,
साले, मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में छुपेगा, जिंदाल के आदमी तुझे ढूंढ लेंगे। बोल, पैसा कब दे रहा है? जीवा जवाल, हाय जिंदाल। मैं यहाँ पर हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? इस वक्त तुम यहाँ रहते हो, मुझे मालूम है। अच्छा छोड़ो, कल डिस्को थे, से बिना बताए कैसे चल दिए? छोड़ो यार, अब तो भरोसा हुआ? कैसे भरोसा करूं? हे, किरण मुझसे प्यार करती है, हमारा रोमांस चल रहा है। ऐसे क्यों घूर रहे हो? किरण मेरे साथ डांस कर रही थी, ये देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? उसने मेरे साथ फोन पर बात किया, ये तुमने देखा नहीं? देखा, सो व्हाट? उसका मेरे साथ चक्कर है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? बकवास है, उसने तुम्हारे साथ बात नहीं की। किरण ने ही बात की है। बात तो उसी ने की, लेकिन किसकी वॉइस में? अपनी माँ की वॉइस में। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती थी, वो तुम्हें अवॉइड कर रही है, ये तुम भी अच्छी तरह से समझ। यानी मैं डबल गेम खेल रहा हूँ ना, यही समझ रहे हो ना? सर्टेनली, तुम एक बड़े फाइनेंसर हो, तुम अपनी दौलत दिखाकर उसकी माँ को खरीद सकते हो, उसी वजह से तुम्हें किरण का नंबर भी मिला होगा, और उसके बाद तुम दोनों की फोन पर बातचीत हुई, उसे सुनकर तुम दोनों में चक्कर है, ये समझ लो पागल हूँ क्या? तुम पागल नहीं हो, महा पागल हो। किरण को अगर मेरे साथ देखोगे तभी समझोगे। जिंदाल, नहीं, देयर इज द लिमिट, इस बात को यही खत्म कर दो। सच सामने आ जाएगा। अपनी दौलत दिखाकर तुम किसी को भी गुमराह कर सकते हो, लेकिन हमारे मामले में तुम हार जाओगे, क्योंकि पैसे से प्यार की ताकत ज्यादा होती है। नहीं जीवा, नहीं। ठीक है, दम है तो तुम साबित कर दो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे मालूम है, अगर मेरी किरण का तुम्हारे साथ चक्कर है तो मैं उसका ख्याल दिल से निकाल दूं, यही ना? यस। देख मैंने कटरीना, देख मैंने करीना, देख मैंने कटरीना, सारा जहां देखा मैंने जाने जहां, पर देखी नहीं तेरे जैसी हसीना। अरे रे 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 रे, देख मैंने करीना, देख मैंने कटरीना, सारा जहां देखा मैंने जाने जहां, पर देखी नहीं तेरे जैसी हसीना, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना। रानी ने तो मेरे ये पाप करके कहा, रानी ने तो मेरे ये पाप करके कहा, ठहरो मेरी जुल्फों की छाँव में, पर तेरे प्यार की थी बेड़ी मेरे पाँव में, पर तेरे प्यार की थी बेड़ी मेरे पाँव में। तूने जो प्यार से है मेरी तरफ देखा, तूने जो प्यार से है मेरी तरफ देखा, दिल में तीर आर पार करके, अब प्यार में तुम देना नहीं धोखे, अब प्यार में तुम देना नहीं धोखे। धरती पर ही स्वर्ग दिखा दूं मैं, थोड़ी प्यार में यूं मौज मना लूं मैं, थोड़ी प्यार में यूं मौज मना लूं मैं। देख मैंने करीना, देख मैंने कफीना, सारा जहां देखा मैंने जाने जहां, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना। बराबर भाई, दर चढ़ जाए हे, दर
चढ़ जाए तो होश कहाँ यारो, दिल लगी जो तुमसे हमने कर दी, तेरे करार की हमको कहाँ जल्दी, तेरे करार की हमको कहाँ जल्दी। तेरा सारा जग दीवाना, मुझको इसकी है खबर, मुझको नखरे ना दिखाना दीवानी है। तेरा सारा जग दीवाना, मुझको इसकी है खबर, मुझको नखरे ना दिखाना दीवानी। मेरी सटक गई तो तू पछताएगी इन कपड़ों में, इन कपड़ों में हर लगती है तू चकास, इन कपड़ों में हर लगती है तू चकास। रख लूं मैं आजा तुझे रख लूं, अरे रख लूं मैं आजा तुझे मैं रख लूं, आ दिल में, आ दिल में छुपा कर तुझे रख लूं। देख मैंने करीना, देख मैंने कटरीना, सारा जहां देखा मैंने जान जहां, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना। देख मैंने करीना, देख मैंने कटरीना, सारा जहां देखा मैंने जान जहां, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना, पर देख नहीं तेरे जैसी हसीना। चल रानी, जिंदा लका 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 लका, मर गया भालू, चमक गया। नीचे रख साले के, देख मैंने इसी हाथ से अपने भाई को श्रद्धांजलि दी थी, आज मैं तुझे दे रहा हूँ। मजा आ रहा है ना? तुम्हारे सपने में भी जिंदाल मर नहीं सकता। जिंदाल, 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 वो तुम्हारे सपने में आया था क्या? अरे क्या हम उसे सपने में भी नहीं टपका सकते हैं? अरे काशी कुछ तो बोल। अरे नहीं रे, सपने में तो क्या, हम उसको असल में टपकाएंगे, असल में उसका पीछा करेंगे और उसको मार डालेंगे। जब वो मर जाएगा तब मुझे चैन आएगा रे। ए जिंदाल, जिंदाल। जीवा, 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 माँ, माँ, माँ। हाँ, क्या हुआ? जीवा भैया, जीवा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जीवा भैया, आ, 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 आ,
जीवा। ए। क्या भाई? जीवा कहाँ है? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। जीवा। ए। भाई। जीवा किधर गया? नहीं देखा भाई। ए। जीवा कहीं पर भी नजर आए मुझे तुरंत फोन करो, समझ गए? समझ गया भाई, समझ गया। जीवा, जीवा, जीवा अभी अभी बाहर गया है भाई। सेवाल। जी भाई। वो जैसे ही मिले फोन करना। आज तो शूटिंग है, कैसे होगा सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे जीवा सर, आइए आइए, मालकी घर पे नहीं है, आपको पता चल गया क्या? बेबो मैम ऊपर ही है, जाइए जाइए। हे जीवा, व्हाट अ सरप्राइज, हाउ आर यू? कम सिट डाउन। ऐसे क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? कल तुमने ऐसा क्यों किया? कल? ओह, शूटिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो मल्लिका ने तुम्हें बता ही दिया, शूटिंग में ये सब कॉमन है। कल एक सॉन्ग शूट करना था, डायरेक्टर ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्हें ग्लैमर चाहिए था, वही ग्लैमर थोड़ा ओवर हो गया। इस टॉपिक पर हमारी कितने बार बहस हो चुकी है जीवा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। तो कल जो जिंदाल के साथ हुआ वो सब शूटिंग थी? अब मुझे समझ में आ रहा है, इसकी सारी जड़ तुम्हारी माँ है, उसके ऐशो आराम के लिए जिंदा से पैसे लेकर उसके पास कंपल करके भेजा है ना किरण? है ना किरण? किरण बोलो, मैं तुम्हें बचाऊंगा किरण, मुझे सब बता दो किरण, क्योंकि जिंदाल मेरा दोस्त है किरण, मैं जो भी कहूंगा वो जरूर मानेगा किरण। किरण 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 किरण, ए इस किरण ने नंबर वन हीरोइन बनने के लिए कितनी मुश्किलों को झेला है ये पता है तुम्हें? नहीं किरण, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं ही इस बारे में तुमसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। आज की डेट में मैं मुंबई की नंबर वन आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये सब रीति रिवाज, झूठे उसूल और छोटी सी सोच में सिमटे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ बॉलीवुड में ही रहकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं तो टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड एंड देन तुम और मैं हॉलीवुड। जिंदगी थोड़े ही दिनों के लिए मिलती है जान, इसमें ऐश करना सीखो तुम। जब तक जवानी है तब तक माल है मुन्ना, जब तक हाथ में पैसा है तब तक जवानी बनी रहती है, समझे? तुम मेरी कमाई का हिसाब किताब लिखने के लिए आए थे और मैंने तुम्हें अलग हिसाब से देखा, तुम्हारे साथ मेरा जो भी हिसाब था वो तो पूरा हो गया, सो मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर। तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, सारी मुंबई का मेरे साथ एक अलग ही हिसाब है, वो हिसाब किताब तुम चाह के भी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा हिसाब और मेरा हिसाब सही मिल जाए तो कोई इसे जुदा नहीं कर सकता। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ रहे हो ना मुन्ना? सो जैसा तुम समझ रहे हो कि मेरी माँ जो चाहती है मैं वही करती हूँ, तो वैसी कोई बात नहीं है। जिंदाल से तो मैं अपनी मर्जी से ही मिली थी, आज मुंबई में जिंदाल, आंध्र में नायडू, केरला में नायर, कर्नाटका में गौड़ा, और इन सभी को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, कुछ समझे मुन्ना? जिंदाल की रखेल हूँ मैं, इट्स अ फैक्ट। जिंदाल ने जैसे मुझे रखेल रखा है वैसे ही मैं तुम्हें रख लेती हूँ। बेबो बेटी, देखो प्रोड्यूसर साहब आए। नमस्ते जी। बड़े सेठ है, प्लीज, नाम है रमेश रेड्डी, तुम मिली हो ना? मैं इनके लिए कुछ लिया था, तुम इन्हें बिठाओ। अब आइए ना प्लीज, ये कमीनी को भी अभी आना था प्लीज। ये साहब कौन है? देखने में तो स्मार्ट है, कोई नया हीरो है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे कजिन ब्रदर है।
थोड़ा वेट कीजिए, मैंने भेज कर आती हूँ। ओके ओके। जीवा, हम बाद में बात करेंगे, निकलो तुम यहाँ से, चलो जाओ। मेरी तकदीर में है बेवफाइयाँ, तेरी बेवफाई ने तो दिल जला दिया। क्या यही प्यार है, मैंने क्यों किया, दिल मेरा जला खाक हो गया। दीवाना ये दिल राख हो गया। दिल जले दिल जले दिल जले। छोड़े थे घर अपना छोड़ा था, तुझसे किया था प्यार किया इकरार किया एतबार। जब सच को जाना तो पछता के क्या होगा, तूने दिया है जो खाओ ना भूलूंगा उसे जीवन भर। मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर दिल तो नहीं, दिल जलता है मेरा जलता है मेरा, सीने में है आग लगी कैसे तुझे दिखलाऊं। आजा देख ले फिर हम जालिम, आजा देख ले। दिल जले दिल जले, मेरी तकदीर में है बेवफाइयां। कहती थी फिर भी मैंने प्यार किया, दिल उसको दिया जो था बेवफा। दिल उसका पत्थर था, प्यार से ना पिघला। मेरा दिल तोड़ दिया ओ मेरे खुदा, दे उसको सजा। बोले बिन चैन नहीं, बोलू तो भी चैन नहीं। दिल बेचैन है यूं बेचैन है यूं, मेरी तरह तू भी जले आंसुओं से झोली भर। जार जार रोए तू भी यूं ही, जार जार रोए। दिल जले मेरी तकदीर में है। जिंदाल की रखेल हूँ मैं, इतो बात जैसे मुझे रखेल रखा है, जैसे ही मैं तुम्हें रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी कजिन ब्रदर है।
सर बहुत देर हो गई, दीजिए ना। ये लीजिए सर। ठीक है सर, चलता हूँ। काका रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गई मैडम। अगर किरण की फोटो लेमिनेशन हो गई हो तो जल्दी से लेकर के आ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई शहर से कब आया? दो दिन हुए काका। ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक है। आ गया, ये लो मैडम। दीजिए। सुन बहना, तुम्हारे भाई का मूड अच्छा होगा तभी दिखाना। मुश्किल से पद्मश्री कमल हसन का चेहरा हटा करके तुम्हारे भाई का चेहरा बिठाया है। अगर तुम्हारे भाई ने देखा ना तो मेरी फोटो काट देगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है काका, भाई बहुत दिनों के बाद घर आया है। उसके जन्मदिन पर मैं ये तोहफा उसे देना चाहती हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए काका आपके बैलेंस पैसे, मैं चलती हूँ। माँ भैया कहाँ है? घर में ही तो है, क्यों ढूंढ रही है? कौशल्या, हाँ तटा मुझे मालूम है तू ही है। अच्छा आंखें किसने बंद की है तुमने पहचान लिया? अब मैं जो चीज लाई हूँ उसे पहचानो भैया। अभी मैं बिजी हूँ कौशल्या, शाम को देखूंगा। जाओ भैया, मैं इतने मुश्किल से लेकर आई हूँ और तुम उसे देख ही नहीं रहे हो। भैया इसमें कौन है तुम्हें मालूम है? हेलो तुम्हें पता है इसमें कौन है? मेरी भाभी। कहाँ है बता? हाँ इतने आसानी से, मेरी भाभी के साथ कौन है पता है? महाश्री श्री ठाकुर राणा प्रताप सिंह के पोते यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा आदरणीय जीवा। क्या बोल रही है? हाँ भैया मैं भी हूँ, क्या दिखा? हाँ तुम्हें मुफ्त में सारी बातें जाननी है, मैं नहीं बताऊंगी। कौशल्या मस्ती नहीं, मुझे बता। नहीं बताऊंगी। दिखा। एक शर्त पर। दिखा ना। तुम मुझे भाभी से मिलाओगे? दिखा ना। वादा करो। कौशल्या, कौशल्या। नहीं भाभी से मिलाओगे कहो, वादा करो। कौशल्या। नहीं। सीधे सीधे दिखा। नहीं नहीं पहले वादा करो, पहले वादा करो। अच्छा ठीक है मिला दूंगा। मुझे छूकर प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? अरे पहले प्रॉमिस करो भैया। नहीं नहीं दूंगी भैया। हे भगवान पिताजी। अंजलि की माँ। हाँ। अंजलि की माँ। हाँ। ये सब क्या है? अरे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं काम कर रही हूँ। उस लड़की का जुनून अब तक किसके सर से नहीं उतरा। तुम तो बोलती थी कि ये ठीक हो जाएगा, हम लोगों की बात जरूर सुनेगा, क्योंकि इसने तुम्हारे सर की कसम खाई थी। हाँ खाई थी। लेकिन इसने क्या किया मालूम है तुम्हें? क्या किया? इस गंदगी को तुम ही देखो। मैं यहाँ चिल्लाता हूँ ये तो तुम्हें दिखता, लेकिन अंदर जो बैठा है वो क्या करता है ये नहीं दिखता। इस बेशर्म लड़की के साथ शहर से वो फोटो खिंचवा कर आया है, बुलाओ उसे। पिताजी इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, मैं स्टूडियो में जाकर फोटो बना कर लाई हूँ। स्टूडियो में गई थी तू? सुनी क्या तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? गई गई हमारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में। नहीं पिताजी, फोटो में जो है वो कोई और है, मेरे भैया नहीं। मुझसे मुझसे झूठ बोल रही है तू? इधर ला। अरे भाई रमेश इधर आओ। अरे भाई तू यहाँ पर क्या हुआ? ये बताओ क्या हुआ? क्या है ना ये मेरा ही बेटा है ना? नहीं पिताजी, स्टूडियो में जाकर मैं ही फोटो बना कर लाई हूँ। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए उसे, झूठ बोल रही है। क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसे, छोड़िए पिताजी, झूठ छोड़िए। तो पिताजी छोड़िए, क्या हुआ, क्यों जंगलियों की तरह पेश आ रहे हैं? जंगलियों की तरह? जंगलियों की क्या कह रहा था तू? कि तू शहर में नौकरी करता है, लेकिन नौकरी करने के बहाने तू उस बेशर्म लड़की के साथ शहर में गुल खिलाते रहता है। अब ये बता कि जंगली तू है या मैं, बता। क्या कह रहे हो जी, अपने बराबर के लड़के को इस तरह सबके सामने गाली देना अच्छी बात नहीं है। हाँ दूंगा गाली। अरे क्यों ना दूं गाली, शायद इसी वजह से तुम्हारा यह लड़का सुधर जाए। अब इसे शहर नहीं जाना है, कह दो इससे। अब इसे यही मेरे दोस्त के पास रहकर नौकरी करनी है, और मैं इसके लिए लड़की देखकर यही पे शादी करवाता हूँ। वो सब नहीं चलेगा पिताजी। तो क्या आप तेरे लिए तेरे माँ बाप से भी बढ़कर वो लड़की हो गई? हाँ हाँ पिताजी हाँ। बीच में मत बोल। सुना ना तुमने, सुना ना, ये सब कुछ तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। देखो भाइयों, इतनी हिम्मत हो गई इसकी, अब ये यहाँ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ये यहाँ। मैं इसे नहीं रहने दूंगा, चला जाए। तू सुन, अगर तू यहाँ एक पल भी और रुका ना तो मैं तेरी माँ और तेरी बहन दोनों को मार दूंगा, और उसके बाद तुझकी जान ले लूंगा। अरे सुन, जो औलाद अपने बाप का हाथ उठा सकता है उसको उसके घर में रहने का कोई हक नहीं। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। रोक मत इसे, चले जाए, चले जाए, हमारा बेटा चला जाएगा, मेरा बेटा।
अरे रोक लाश देखो कोई ना सुन मर गया तू मेरे लिए मर गया क्या कर रहे हो जी मत करो जी मैं अपने बेटे का अंतिम क्रियाकर्म कर रहा हूँ समझ लो कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं था अरे बेशर्म जाते जाते तू मेरी बात ध्यान से सुन ले वो चेहरे पे रंग लगाने वाली लड़की एक दिन तुझे सड़क पर ले आएगी तुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देगी ये एक बाप के दिल से निकली हुई बद्दुआ है बद्दुआ अभी 6:30 बजे हैं हाँ बोल रहे हाँ भाई मैं जिंदाल को फॉलो कर रहा हूँ लगता है उसे हमारी बात की खबर हो गई है ए ये कैसे हुआ रे वो एक जगह नहीं रुक रहा है वो इधर उधर ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा है भाई गाड़ी दूसरे रूट पे जा रही है ए छे अब हम उसको उठा नहीं सकते काशी अरे उधर देख तो सही कौन है वो मैं उस जिंदाल को उठाने के लिए परेशान हूँ और तुम रोड पर आने जाने वालों को दिखा रहे हो नहीं काशी जिंदाल अब हमारे हाथ में फंस गया है क्या बोल रहे हो ये सामने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है जिंदाल की जान है इसको इधर लुढ़काएंगे ना तो उधर जिंदाल खुद ही लुढ़क जाएगा ऐसी बात है तो इसको उड़ा डालते हैं एक बात सुन इसको हमने टपकाया है ये जिंदाल को पता चलना चाहिए हाँ ये हुई ना बात की जिंदाल हम तुम्हारे सामने आकर तुम्हें नहीं मार सकते हमें पता है लेकिन हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है और वो तुम्हारी भी है ये सोचकर तुम परेशान हो रहे होगे ना नहीं ओ है जीवा ए, जीवा को क्या हुआ तुम्हारी जान जीवा अब उसे स्कॉर्पियो के नीचे कुचल दिया जाएगा अगर तुम चाहो तो आकर उसको बचा लो नहीं तो वहीं बैठकर बजाते रहो शंख अब निकाल कर फूको कहां पर है तू उड़ा दे साले को जी सर जी बेड नंबर 3 पर वो दवाइयां पहुंचा दी हैं जीवा तुझे कुछ नहीं होगा जीवा जीवा कुछ नहीं होगा डॉक्टर 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 तुम क्या करोगे कैसे करोगे ये कुछ पता नहीं मेरा जीवा सही हो जाएगा ना डॉक्टर प्लीज प्लीज ये तो मुझे एक्सीडेंट केस लग रहा है पहले जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखवाइए उसके बाद ही मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ सर किसकी सिफारिश चाहिए किसी पुलिस वाले की इंस्पेक्टर की कमिश्नर की डीआईजी या डीजीपी की सर सर यही जिंदाल साहब है इनकी वजह से बहुत से घर चलते हैं इन्हीं की वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ सर वन मिनट सर प्लीज यू वेट हियर नर्स जी सर इधर आओ इनको जल्दी से अंदर ले चलो ओके चलो जल्दी चलो चलो सर प्लीज वेट टाइम बम सेट कर दिया है डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है सर सर पे बहुत मामूली सी चोट आई है बस लेकिन हाँ मेंटली ही इज नॉट वेल उन्हें आराम की जरूरत है उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है जिंदाल सर दोस्त हो तो आपके जैसा जिंदाल हेलो मैं काशी बोल रहा हूँ जिंदाल मेरे बच्चे तुम्हें परेशानी हुई ना उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ जिंदाल अपने दोस्त को तो तुमने बचा लिया क्योंकि उसकी उम्र अभी लंबी है शाम का वक्त हो गया है ना इसीलिए बैठकर हम लोग दारू पी रहे हैं चाहो तो तुम भी आ सकते हो ए जिंदाल तुझसे भी ज्यादा मेरा दिमाग चलता है बस थोड़ी ही देर में तेरा हॉस्पिटल हो जाएगा गुम और वहाँ पर दिखेगा सिर्फ तेरे और तेरे दोस्त के लिए अब हम दोनों बजाएंगे शंख तू भी जश्न मना ले हेलो
सिस्टर हॉस्पिटल में बम है। कैसी आवाज है बेड़ू, कुछ तो गड़बड़ है। एकासी, तेरा फोन बज रहा है। एकासी, तेरी वजह से सहवाल की आज जिंदगी खत्म हो गई। तूने मेरे जान से प्यारे दोस्त को मारने की कोशिश की, उसी वक्त तेरा टाइम खत्म हो गया था। किसको मारने की तारीख निकाल रहा है? मेरी तारीख मैं निकालता हूँ। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने मुझे माला पहनाया था, मैं तेरी फोटो पर माला चढ़ाऊंगा। वो जिंदाल जिंदा बच गया। अब वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। जीवा का ख्याल अच्छी तरह से रखना। ओके भाई। बोल जिंदाल जिंदा कैसे बच गया? हमें नहीं मालूम सर। हॉस्पिटल से बाहर निकालकर उसको उसकी कार में ही उड़ाने का प्लान बनाया था मैंने, लेकिन उसकी कार में छुपाया हुआ बम उस सहवाल को कैसे मिल गया? तूने बोला, तूने बोला, तूने बोला। नहीं नहीं साले, एक बात ध्यान से सुन ले, वो जिंदाल बचना नहीं चाहिए। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ मैं, 24 घंटे के अंदर अगर जिंदाल नहीं मरा तो तुम सबों को मार डालूंगा। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जाओ उसे मार डालो। जाओ, जिंदाल को खत्म कर देंगे हम लोग भाई, आज खत्म कर देंगे। और जिंदाल बचना नहीं चाहिए, चल। हाँ भाई, Oh!
भाई अभी बाहर गए हुए हैं। आज शनिवार ही है ना? आपके आने की खबर दी थी लेकिन वो बहुत टेंशन में थे। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? कोई बात नहीं, I'll wait for him. Hey John, I'm so thirsty. हाँ लाता हूँ। Ha ha ha.
किरण 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 व्हाट हैपेंड किरण 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 व्हाट हैपेंड किरण एनी प्रॉब्लम किरण 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 कौन अजीवा क्या हुआ किरण किरण ओह माय गुडनेस तुम भी यही हो अगर पता होता तो मैं तुम्हारे साथ मजे लेती छोड़ना टाइम वेस्ट कर दिया अरे तुम्हें चोट लगी है क्या अब ठीक है कोई डर नहीं अच्छा अच्छा उस दिन तुमने जो कहा था वो सब झूठ था ना तुमने मुझे उल्लू बनाया ना तुम पर बहुत तरस आता है तुम्हारे लिए इस दुनिया में सीखने लायक बहुत कुछ है हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता ही है उस दुख का सामना नहीं करना हो तो यहाँ वहाँ काम करके खुद को सुला कर एस्केप करना पड़ता है खुद को बेचना भी पड़ता है किरण किरण मुझे तुम चाहिए किरण मुझे सिर्फ तुम चाहिए तो मैंने तुम्हें कब मना किया मुझे सिर्फ तुम चाहिए किरण गलत बात जीवा गलत ऐसी गलत बातें नहीं करते हैं आज की डेट में सारी मुंबई मेरे साथ एंजॉय करना चाहती है समझे लेकिन तुम मुझे सिर्फ अकेले ही पाना चाहते हो गलत है ना बोलो ऐसी बात नहीं किरण अगर तुम्हारा जिंदाल भी मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाहता है तो भी मैं उसको यहाँ से भगा दूंगी नहीं किरण तुम ऐसा मत कहो किरण जीवा मैं कभी भी एक के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती बिकॉज लाइफ इज सो टेस्टी आज की डेट में सारा मुंबई मुझे हासिल करने के लिए तरसता है लेकिन मेरा एम एकदम अलग है आज सारा मुंबई मुंबई ही क्यों सारा हिंदुस्तान मेरे एक इशारे का इंतजार करे हर नौजवान सारी रात बगैर सोए मेरे लिए तरसता रहे जीवा आई स्टिल लाइक यू जिंदगी को समझो तब तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है I'll give you some time. तुम सोच कर देखना अगर तुम नहीं तो मेरे लिए हजार जीवा हैं। लेकिन याद रखना तुम्हें एक भी किरण नहीं मिलेगी अंडरस्टैंड ऐसा नहीं है किरण 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 ऐसा नहीं है किरण किरण यस हाँ याद है मुझे सारे कॉस्ट्यूम्स घर पे ही भेज देना फिल्म सिटी ना ओके टुमारो शार्प 10 PM किरण किरण मुझे छोड़कर मत जाओ किरण 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 मुझे छोड़कर मत जाओ किरण मुझे छोड़कर मत जाओ किरण किरण मुझे आई लव यू किरण किरण देखो मेरे सर पर मार लगी है किरण किरण मुझे छोड़कर मत जाओ किरण किरण मेरी बात सुनो किरण 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 मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता किरण 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण किरण ऐसे मत करो किरण किरण मैं तुम्हारे साथ चलूंगा किरण किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण मुझे छोड़कर मत जाओ किरण किरण मेरी बात सुनो किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण किरण आई लव यू किरण 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 ऐसे मत जाओ किरण किरण मुझे छोड़कर मत जाओ किरण मेरी बात सुनो किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण किरण छोड़ो मुझे किरण किरण मुझे छोड़कर मत जाओ भाई सो रहा है ना कभी क्यों उठ गया भाई ये शोर कैसा है भाई वो जीवा उसे मैं ऊपर सुला कर गया था ना तो फिर नीचे कैसा है भाई वो क्या है कि मैडम आई थी भाई कौन रे किरण ना भाई जीवा को अंदर बंद क्यों किया है चलो कौन जल्दी जिंदाल जीवा किरण मुझसे मिलने आई थी जिंदाल वो मेरे कहने से पहले ही इन लोगों ने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया बोल जिंदाल मैं किरण के बिना नहीं जी सकता जिंदाल जिंदाल वो गुस्सा होकर चली गई जिंदाल जिंदाल
मुझे मेरी किरण चाहिए जिंदाल, जिंदाल। ओके ओके, मैं लेकर आऊंगा उसे। कितने बजे आई थी वो? आपके जाने के बाद ही भाई। जिंदाल, मुझे मेरी किरण मिलेगी ना? हाँ हाँ मिलेगी मिलेगी। वो कहाँ गई है इस वक्त? अभी भाई, आधा घंटा हो गया। वो कुछ बूझ रही थी क्या? पहले थोड़ा पिया, उसके बाद चेक के बारे में पूछी और चली गई। जिंदाल, मुझे किरण चाहिए। जिंदाल बैठ जाओ, बैठ जाओ जीवा। वो खोला जीवा, ये लो सवाल के। हेलो जिंदाल। हाय जिंदाल, पता है तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया? मैं वापस आ गई हूँ। कहाँ पर हो? फिल्म सिटी में हूँ। नाइट 2 o'clock तक मेरी शूटिंग चलने वाली है। तुम तो शेर हो जानू, काफी दिन हो गए हैं तुमसे मिली ही नहीं। शेर को कस के बाहों में लेने की बड़ी ख्वाहिश है। प्लीज कम ऑन। जब तक जिस्म जवान कर ले वसूलियां, खेल दौलत में हो। मस्त 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 मस्त। चार दिन की है जवानी, ना कर उससे बेईमानी, ना छोड़। जब तक है जिस्म जवान ले ले तू मजा, दुनिया चले दौलत के बलबूते पे यहाँ। जिसके पास दौलत है वो सदा है जवान। प्यार मोहब्बत के वादे झूठे हैं यहाँ, दौलत से जो प्यार करे वो होना परेशान। और पैसे से प्यार किए जा, प्यार पीछे पीछे आएगा। मस्त 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 मस्त। चार दिन की है जवानी, ना कर उससे बेईमानी, ना छुआ।
जवानी है वसूलूंगी से, ये जवानी गई कौन पूछेगा मुझे, प्यार कर प्यार को ना गले से लगा, रात गई बात गई है मेरा फलसफा, ये रूप रंग जब तक है सब पूछेंगे यहाँ, ये जवानी गई तो तू भूली दास्तां, तभी फिसले मेरी जवानी पे, मस्त 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 दर्द हो रहा है किरण, बहुत दर्द हो रहा है किरण, दर्द किसे कहते हैं आप मालूम हो रहा है ना किरण, किरण 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 घायल कर दिया तूने मुझे पापी, ए परिवार को छोड़कर रहने का गम तुम्हें क्या मालूम, परिवार के उन रिश्तों का दर्द तुम क्या समझोगी, तुम तो बस जानती हो मुंबई का जिंदाल, आंध्रा का नायडू, केरला का नायर, कर्नाटक का गौड़ा, कमीनी इसके साथ जीऊंगी उसके साथ ऐश करूंगी, ए, 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 मगर एक के साथ नहीं रहना है ना, बोल ना बोल क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेला, मेरे साथ रहोगी और दूसरों के साथ भी ऐश करोगी, और ये सब देखकर मैं अपना मुंह बंद रखे कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरूं, मेरे सामने पीकर अय्याशी करे तू, तू पीकर ताथा थैया कर रही थी, मैंने पूछा तो कहने लगी सर प्रोड्यूसर है, सर डायरेक्टर है, शूटिंग गाना पार्टी चल रही बोल के मेरी वाट लगा रही थी तू, ए अच्छा वो भी छोड़, एक दिन उस पागल प्रोड्यूसर के सामने कैसे भोली बनकर मेरा कजन ब्रदर है बोल के रूम से बाहर निकाल दिया, तब मुझे मालूम पड़ा कि कितनी नीच औरत है तू, मैं क्यों पी रहा हूं यही सोच रही है ना, तेरी वजह से मैं एक शराबी बन गया, अच्छा मर्द मतलब तुम्हारे इशारे पे नाचने वाला जंगली कुत्ता समझ रखा है ना तूने उसे, अपना गोरा बदन मटका मटका कर पैसे वसूलने वाली पैसों की गुड़िया हो तुम, नायिका नहीं आज की खलनायिका हो तुम, ये दिल साफ होना चाहिए पर तेरा दिल गंदा और आत्मा मैली हो गई है, ए हिसाब हिसाब करके लोगों के साथ तूने मेरा भी हिसाब लगा दिया, मैं तो तेरे पास एक साधारण सा हिसाब लिखने आया था, लेकिन तूने जब मेरे काम को गलत हिसाब बताया दरअसल वहीं से तेरा गलत कैलकुलेशन शुरू हो गया था, अरे बेशर्म औरत, प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं होता, मैंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और तूने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तू प्यार के लायक ही नहीं है, तू एक नंबर की मक्कार है, जीवन के दुखों का सामना करने के डर से गोरी चमड़ी दिखाकर लोगों के साथ सोकर अपनी जवानी का फायदा उठाकर एस्केप होती आई है ना, अब यहाँ से कैसे एस्केप होती है मैं भी देखता हूँ, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, मड आइलैंड, मड आइलैंड में ऐसा गोडाउन है जिसका पता किसी को नहीं मालूम, तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें यहाँ आके बचा नहीं सकता, मैं जब अपने परिवार को छोड़कर तेरे पास आया तो क्या एक्टिंग की तूने, और रेखा की भी छुट्टी कर दी तूने तो, मुझे मां नहीं चाहिए, करियर नहीं चाहिए, सिनेमा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बस तुम चाहिए, क्या बिल्डअप दिया था ये कहकर, ए तुम सड़ गई हो किरण, तुम्हारे दिल में जहर भर गया है, तुम्हें अगर दिल का जहर निकालना है तो रोना होगा, दिल खोल के रोना होगा, रो किरण रो किरण रो, कट 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 कट, बोल दिया अब मैं कुछ बोलूं, ओके रेडी एक्शन, ए ऐसे डायलॉग तो मेरे सामने कितने लोगों ने कहे होंगे, कितने हीरोज को जानती हूं मैं, और न जाने कितने बिजनेसमैन, कितनी पार्टी से मिली होंगी मैं, हाँ और उन लोगों से किरण ने कितना कुछ वसूल किया होगा, और ये लव जैसा कोई शब्द इस दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और लव करने के लिए किसके पास इतना टाइम है भला, और पता है सब क्या देखते हैं, छोटा सा बिल्डअप और फिर पिकअप,
set up, pack up, and then escape. यही लव है ना? तू बोलना, लव क्या होता है? L-O-V-E. L मतलब लपक, O का मतलब उठाना किसी भी पार्टी को. पार्टी को. B मतलब वसूल करना. E मतलब स्केप हो जाना मुन्ना. वो भी खोके के साथ. ऐसा ही है ये किरण का कैरेक्टर. मेरे साथ जो भी रिश्ता रखते हैं उन सारे वीआईपीज की हिस्ट्री इसके अंदर है. हे, तुम्हारे उस दोस्त जिंदाल को भी इसी में सेव करके रखा है मैंने. फिफ्टी परसेंट सेक्स, 50% धोखा, ताकि मैं सेफ रह सकूं. देखना है? उन सब की लिस्ट मेरे हाथ में है. अगर मैंने ओपन किया ना तो उन सब की जिंदगी जीरो हो जाएगी. और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इस सेल के जरिए मैं उस सेल से बाहर आ जाऊंगी. तो बोलो जीवा, तुम बेवकूफ हो ना? तुम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते जीवा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं. तुम भी फ्री हो जीवा और मैं भी साथ हूं, तो क्या ख्याल है? गोडाउन काफी खाली सा है, तो आ जाओ. मेरे इतने समझाने पर भी तू नहीं समझी? तुझे जीने का कोई हक नहीं है. मर जा, मेरे ही हाथों से मर जा. छोड़ जीवा. जिंदाल छोड़ मुझे. जीवा वो मेरी जान है. जिंदाल, तू उसे नहीं मार सकता. गुड जिंदाल. Ah!